करेंगे राजधानी भोपाल की खबर के साथ, जहां मध्य प्रदेश बीजेपी की आज अहम बैठक होने जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ये बैठक लेंगे, तो बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा मौजूद रहेंगे। तो पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन को लेकर यहां पर चर्चा होगी। सुबह 11 बजे से बीजेपी कार्यालय में ये बैठक होगी। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। तो प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को भी बैठक में आने के निर्देश दिए गए हैं। तो प्रदेश के सभी पदाधिकारी और जिला अध्यक्षों को भी बैठक में बुलाया गया है। बैठक में सत्ता और संगठन के बीच तालमेल बढ़ाने पर चर्चा होगी। तो बीजेपी की अहम बैठक आज 11 बजे ये बैठक होगी। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। तो पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन लेकर यहां पर तालमेल बढ़ाने पर चर्चा होगी। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी बैठक में मौजूद रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ फुल लाइन पर मौजूद है संवाददाता शरद व्यास। शरद, आज बड़ी बैठक यहाँ पर बीजेपी की होने वाली है, किन विषयों पर चिंतन मंथन होगा? देखिए, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बड़ी बैठक में जितने भी जो जिले हैं, जिला अध्यक्ष हैं, 54 जिला अध्यक्ष, उन सभी को इसमें आमंत्रित किया गया। साथ ही साथ प्रदेश के पदाधिकारी, विधायक, सांसद, मंत्री, इसके अलावा तमाम प्रवक्ताओं को इसमें बुलाया गया है। मुरलीधर राव जो प्रदेश के प्रभारी बीजेपी के, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। विष्णु दत्त शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी इसमें शामिल होंगे। ये बैठक कई मायने महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आगामी समय में जो उपचुनाव हो रहे हैं, साथ ही साथ जो सत्ता और संगठन के बीच में जो तालमेल किस तरह का हो उस पर चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ जो निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों पर भी इस पर चर्चा हो सकती है। संभवतः इसमें माना जा रहा है, इस बैठक में एक बड़ा अभियान मध्य प्रदेश में शुरू किया जा सकता है राजनीतिक दृष्टिकोण से। तो इस अभियान की शुरुआत भी इस चर्चा के दौरान ये भी बातचीत होगी कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए। रणनीति कुल मिला के तैयार की जाएगी आगामी उपचुनाव को लेकर, निकाय चुनाव को लेकर, पंचायत चुनाव को लेकर, और संगठनात्मक दृष्टिकोण से भी कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। जी हाँ, जिस तरीके से बात की जाए, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा तो गरमाया हुआ है, साथ ही साथ अब आदिवासियों का मुद्दा भी यहाँ पर, उसको लेकर घमासान मचा हुआ है, तो उसको लेकर क्या कुछ बातचीत यहाँ पर हो सकती है? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, राजनीतिक मुद्दे हैं, ओबीसी का मुद्दा हो चाहे आदिवासी मुद्दा हो, तो इन मुद्दों पर भी चर्चा होना स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। और ये भी चर्चा हो सकती है कि किस तरीके से ओबीसी को लेकर जो हाईकोर्ट आने वाले समय में जो निर्देश देगा, उस आधार पर किस तरह से आगे बढ़ना है, जो जितनी भी सीटें खाली हैं उसको ओबीसी के आधार पर किस तरीके से भरना है, ये तमाम विषयों पर चर्चा हो सकती है। संगठनात्मक चर्चा है, सरकार और संगठन के बीच की चर्चा है, तो संभवतः इस पर भी चर्चा के बाद कोई बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कोई बड़े अभियान की शुरुआत की जा सकती है, तो उस बड़े अभियान में बहुत ही शामिल हो सकता है। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद व्यास जी तमाम जानकारी के लिए। तो आज ये बड़ी बैठक मध्य प्रदेश बीजेपी की होने वाली है, 11 बजे ये बैठक होगी। कई जिला अधिकारियों को यहाँ पर न्योता दिया गया है जो बैठक में मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा भी सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक होंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि बैठक के बाद क्या कुछ बातें जो है यहाँ पर सामने आती हैं, लेकिन एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी की आज होने जा रही है।